सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम रात के 8:20 पे यूएस के मेजर इंडाइसेस में एक मार्जिनल अपसाइड को देख सकते हैं, जिसके चलते हमें यहाँ पे निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का एक रैली देखने को मिल जाता है। तो अगर ऐसे ही कल यूएस मार्केट अपसाइड के साथ अपना क्लोजिंग देते हैं तो हमें निफ्टी में ओपनिंग के वक्त एक तेजी देखने को मिल सकता है। अगर हम इंडियन ETFs की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिल जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली इन सभी स्टॉक्स में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है, इसमें आज हमें ट्रेडिंग आवर्स के दौरान एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल जाता है। स्टॉक ने अपने इंट्राडे हाई के आसपास और अपने मेजर ईएमए लेवल्स के काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हमें इसके दूसरे इंडिकेटर्स में भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल जाता है, जिसके चलते कल भी हमें इस स्टॉक में एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है सिप्ला लिमिटेड, जिसमें आज हम लगभग 5% के आसपास एक रैली को देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमें 2:47 का डेटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज NSE के वेबसाइट में कुछ बग है तो हमें एंटायर डे का जो डेटा है वो दिखाई नहीं देगा। तभी भी हम इसमें आज काफी अच्छा बाइंग को देख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल से उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें इसके बायर साइड में सेलर साइड के मुकाबले ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो आप इसे देखते हुए कल सिप्ला में अपना बाई कॉल प्लान कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, इसमें भी आज हमें काफी अच्छा रैली देखने को मिल जाता है। स्टॉक ने काफी ऊपर के लेवल्स में अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके दूसरे इंडिकेटर्स में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर आगे एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें इसमें भी एक अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक का नाम है कैडिला हेल्थकेयर, जिसमें आज हम फिर से मोर देन 10% का एक रैली को देख पा रहे हैं। स्टॉक ने आज 366 के लेवल पर अपना 52 वीक हाई फॉर्म किया, जिसके बावजूद हम इस स्टॉक में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट को देख सकते हैं। इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी हमें सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो आप कल के लिए स्टॉक को बाय साइड के लोग अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टॉक है, इसमें भी आज हमें काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाता है। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट होने के बाद आज हमें इस स्टॉक में एक हैंडसम रैली देखने को मिल जाता है। स्टॉक ने काफी ऊपर के लेवल्स में आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है और हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी एक बुलिश क्रॉसओवर को आज जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो कल आपको इसमें थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आप 2-5% के टारगेट के लिए कल इसमें अपना ट्रेड बाय साइड में प्लान कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक, जिसमें आज हमें लगभग 16% का एक रैली देखने को मिल जाता है। अभी भी हमें इसके ऑर्डर बुक में एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाता है और हम इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी यहाँ पे सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो आप कल के लिए स्टॉक को बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टॉक है, इसमें भी हमें दूसरे फार्मा कंपनीज की तरह एक जबरदस्त अपसाइड आज देखने को मिल जाता है। इसके दूसरे इंडिकेटर्स में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग को यहाँ पे आज एक्सटेंड होता हुआ देख पा रहे हैं। इसके चलते कल भी आपको स्टॉक में एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आप कल स्टॉक के ऊपर अपना नजर बनाए रख सकते हैं। स्टॉक का नाम है सन फार्मास्यूटिकल, जिसमें आज हम लगभग 4% का एक रैली को देख पा रहे हैं। स्टॉक ने अपने वीवा लेवल्स के जस्ट आसपास ही अपना क्लोजिंग आज दिया हुआ है। अगर हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल से उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें बायर साइड में सेलर साइड के मुकाबले काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक में जो सेंटीमेंट है वो काफी ज्यादा बुलिश है। इसके चलते कल भी हमें स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है।
तो कल के लिए आप इस स्टॉक को बाय साइड के लॉक नोटिस में शामिल कर सकते हैं। यूएस मार्केट ओपनिंग के बाद मार्जिनली अपसाइड में ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इसके बाद निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट की ओर करते हैं तो यहाँ पे आज हमें काफी बड़ा बुलिश कैंडल देखने को मिल जाता है। दिन के एक टाइम पे इसने 9129 के लेवल्स पे अपना हाई फॉर्म करने के बाद इसके काफी नीचे 8754 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि कल के क्लोजिंग के मुकाबले ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट नीचे है। तो हमें कल भी मार्केट में ऐसा ही एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसके आरएसआई लेवल में भी एक साइडवे ट्रेंड को देख पा रहे हैं। अगर हम इसके बाद इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके पुट साइड में करंटली 8700 के लेवल्स पे एक भारी पुट राइटिंग देखने को मिल जाता है। करंटली हम इस लेवल पे 4.71 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एडिशन को देख पा रहे हैं और हमें इस लेवल पे टोटल 11,91,525 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो कल के लिए आप 8700 के लेवल को एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर कल ये लेवल टूटता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट काफी नीचे 8500 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, जबकि हम इस लेवल पे करंटली पुट अनवाइंडिंग को देख पा रहे हैं, लेकिन हमें इस लेवल पे अभी भी मोर देन 14.7 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो आप कल के लिए डाउन साइड में 8500 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में 8500 के लेवल्स पे भारी अनवाइंडिंग होता हुआ दिखाई देगा और हम इसे हायर लेवल्स जैसे कि 8800 से लेके 8900 और 9000 के लेवल्स पे आज ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। हमें करंटली एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 8800 के लेवल्स पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि हम इस लेवल पे आज 2.28 लाख 375 कॉल कॉन्ट्रैक्ट का एक एडिशन को देख पा रहे हैं और हमें इस लेवल पे टोटल 7.33 लाख 650 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो कल के लिए आप 8800 के लेवल्स को ही इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर कल निफ्टी इस लेवल को रिक्लेम करने में कामयाब होता है तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल 9000 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज हम इस लेवल पे एक भारी कॉल राइटिंग को देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें आज मोर देन 15.72 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो कल के लिए आप 9000 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसीडर करते हुए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद बैंक निफ्टी का रुख करते हैं तो यहाँ पे भी हमें आज निफ्टी की तरह ही एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल जाता है। इसने भी आज 20,000 के लेवल्स के ऊपर अपना हाई फॉर्म करने के बाद 18,937 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि इसके 9 डेज के ईएमएल लेवल के जस्ट नीचे है। तो अगर कल ये फिर से अपने 9 डेज के ईएमएल लेवल को रिक्लेम करने में कामयाब होता है तो हमें इसमें मार्जिनल अपसाइड फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसके आरएसआई लेवल में एक साइडवे ट्रेंड को देख पा रहे हैं। तो कल हमें बैंक निफ्टी में फिर से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर करते हैं तो यहाँ पे भी हम इसके पुट साइड में 19,000 के लेवल्स पे इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी पुट राइटिंग को देख पा रहे हैं। करंटली हमें इस लेवल पे 1.98 लाख 620 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो कल के लिए आप 19,000 के लेवल्स के ऊपर अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। तो अगर कल निफ्टी इस लेवल के आसपास अपना ओपनिंग देता है तो हमें इसमें एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकता है, और अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी इस लेवल को रिक्लेम करने में कामयाब नहीं होता तो हमें इसमें थोड़ी सी डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। उस सिनेरियो में हम नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 18,500 के लेवल्स पे देख पा रहे हैं, जो कि उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अगर हम और नीचे के लेवल्स की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें 18,000 के लेवल्स पे एक स्ट्रांग सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कल के लिए डाउन साइड में 18,000 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 19,000 के लेवल्स पे ही भारी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप देखने को मिल जाता है। करंटली हम इस लेवल पे 3200 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एडिशन को देख पा रहे हैं और हमें इस लेवल पे मोर देन 1.51 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो कल के लिए आप 19,000 के लेवल्स को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर कल ये लेवल रिक्लेम होता है तो हमें बैंक निफ्टी में 19,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम इस लेवल पे भी
लगभग 2 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप देख पा रहे हैं। तो कल के लिए आप हायर साइड में 19,500 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इफ यू लाइक इट, स्मैश द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अक्रॉस सोशल मीडिया। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू विल नेवर मिस आउट एनी अपडेट फ्रॉम अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।